तो दोस्तों आइए आज हम सीखेंगे मोल्ड की लोडिंग और अनलोडिंग टोशीबा के 250 टनेज पे क्रेन सिस्टम के द्वारा नहीं, आज हम सीखेंगे चेन सिस्टम के द्वारा। पहले हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं जिसमें हम क्रेन की हेल्प से हमने मोल्ड को लोड और अनलोड कराया था। आज हम जानेंगे चेन सिस्टम। कुछ कंपनियों में या छोटी कंपनियों में क्रेन सिस्टम यूज़ नहीं होता है, जहाँ पे छोटे मोल्ड होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर चेन सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। तो हम चेन्स के बारे में जानेंगे। एक ये चेन होती साइड में, इससे हम क्या करते हैं, जब इसको हम पुल करते हैं तो जो हमारी मेन चेन होती है जिससे मोल्ड माउंट होता है, तो मोल्ड अप एंड डाउन करने के लिए हम इस चेन का यूज़ करते हैं। एक साइड पुल करेंगे तो मोल्ड हमारा डाउन डायरेक्शन में आएगा, एक तरफ हम उसको खींचेंगे या पुल करेंगे तो मोल्ड हमारा अपर डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं दोनों चेनों को, ये कनेक्टेड ऊपर लीवर सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। उसके साथ ये जो थोड़ा सा मोटी चेन है, ये क्या करेगी चेन, इससे हम मोल्ड को माउंट कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, 5 टन तक के मोल्ड को हम इससे ऊपर कर सकते हैं, खींच सकते हैं, 5 टन इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम। उसके अलावा ये साइड चेन्स हैं, इन चेन से क्या होता है कि मोल्ड को हम जो है जो अपना पुली सिस्टम है इसको हम इधर उधर एडजस्ट करने के लिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम पुल करते हैं तो हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। तो आइए मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले मशीन को हम हैंड पे लिए, उसके बाद हमने क्या किया कि मोल्ड प्रोटेक्टर एंटी क्रोसन स्प्रे को हम इस पर स्प्रे कराएंगे ताकि मोल्ड में रस्ट वगैरह ना लगे, क्योंकि हम मोल्ड हम बंद कर रहे हैं, इसको हम अनलोड कर रहे हैं, उतार रहे हैं, तो मोल्ड रखा रहेगा तो इसमें ये ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। सिंपल है, आप अच्छे से स्प्रेइंग कर लीजिए। अब हम कोर इसमें लगे तो कोर को हम बंद करेंगे। कोर को हमने बंद कर दिया, इनेबल था जैसे आप देख रहे हैं, कोर यहाँ पे चालू थे, हमने इनको बंद कर दिया। सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे जारी जितनी भी सेटिंग थी हमने सारी सेटिंग्स ऑफ कर दी। अभी मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ इसी में, फिर हम धीरे धीरे सेटिंग मोड पे मोल्ड को ओपन करेंगे। जैसे मोल्ड को हमने लॉक कर दिया पूरी तरीके से, अब क्या जैसे मोल्ड लॉक हो चुका है तो अब क्या है कोर को हम खोल लेंगे। अभी हमने कोर की सेटिंग ऑफ किया तो हम कोर को पूरी तरीके से खोल लेंगे। कोर बंद अगर नहीं करेंगे, कोर खोल लेंगे, ओपन कर देंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा चारों तरफ। तो हम कोर की पाइप्स को कर लेंगे, ऐसा हम दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ के कोर का हम बाहर कर लेंगे। अब देख सकते हैं एलन कीज से ये टाइट होता है। कोर का जो मेन सिस्टम होता है, कोर कैसे लगता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, कोर से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है, उसमें मैंने आपको दिखाया है और सिखाया है कि कोर कैसे लगाया जाता है। तो एलन बोल्ट्स को हम लूज़ करके कोर को बाहर कर लेंगे। ये कोर की प्लेस होती है मोल्ड के अंदर। कोर का क्या फंक्शन है ये मैं पूरा आपको पूरी वीडियो में, एक जो कोर का वीडियो बनाया है उसमें मैंने सब आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। आप देख सकते हैं सेटिंग है इनेबल कोर की, जब कोर लगाते हैं तो हम इसको इनेबल कर देते हैं, टिक कर देते हैं, और अभी कोर हमने आउट कर दिया तो ये यहाँ पर कोर होता है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। अभी टिक नहीं हो रहा था, ये देखिए टिक कर लिया, थोड़ा टच का प्रॉब्लम। तो कोर जब टच कर लिया तो कोर वहाँ से हमने डीएक्टिवेट कर दिया कोर को। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है कोर की कि टाइम डिपेंडेंट चलाना है, मूवमेंट कैसा होना है, तो ये सारी सेटिंग्स हम जब कोर लगाते हैं तब करते हैं। ये सब ऑन थी, हमने इनको ऑफ कर लेते हैं, सारी सेटिंग्स को हम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं कोर निकालते वक्त। अब ये सिंपल मेथड है, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। यहीं पे कोर की हाइड्रोलिक पाइप जो होती वो कनेक्टेड होती, ये कोर का फंक्शन है, कोर इन और कोर आउट का। तो अब हम जो पाइप के कनेक्टर्स हैं इनको हम बाहर करेंगे और इसमें एक परमानेंट स्टॉपर लगा देंगे, बोल्ट स्टॉपर लगा के इसको हम परमानेंट बंद कर देंगे ताकि जो ऑयल वगैरह है वो स्प्लिट ना हो पाए कहीं से भी, क्योंकि अब हमें कोर का जो नेक्स्ट मोल्ड हम यूज़ करने जा रहे हैं उसमें हमें कोर का यूज़ नहीं है। तो आप देखिए हमने
स्टॉपर बोल्ट्स लगा दिए हैं, पूरी तरीके से इसको फिक्स कर देंगे। ये मशीन के साथ ही आते हैं बोल्ट्स। आप देख सकते हैं यह है पूरा स्टॉपर बोल्ट हमारा, हमने इसको परफेक्टली फिट कर दिया। अब हम धीरे से इसमें से जो वाटर सिस्टम है वो भी बाहर कर लेंगे। ये आउट और इन का सिस्टम होता है। इन में मोल्ड के अंदर जिधर इन का सिस्टम है, यहाँ से जो पानी है हमारा वाटर है वो मोल्ड में इन की तरफ जाएगा और दूसरा मोल्ड से सर्कुलेट होके वो आउट की तरफ आएगा। अब हम इसको धीरे धीरे स्लाइडर्स को मूव कराएंगे। जो हमारा चेन सिस्टम का क्रेन है इसके हम स्लाइडर को मूव कराएंगे। क्रेन को हम मैन्युअली करते हैं, हार्ड होता है तो 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब हम इसको मोल्ड के ऊपर लेके आएंगे, बिल्कुल जैसा फंक्शन मैंने आपको बताया था क्रेन सिस्टम में बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं। अब आप देखेंगे कि हम उसको एडजस्ट करेंगे। पहले तो मोल्ड के एकदम ऊपर लेके आएंगे, चेन को हमने एडजस्ट किया। अब हम नेक्स्ट है, अब हम उस क्रेन को डाउन करेंगे ताकि हम उसमें से मोल्ड को परफेक्टली फिट कर लें अपने क्रेन पे। तो हम आप देख सकते हैं चेन को हम धीरे धीरे करके खींच के लेके आएंगे। तो हमारा जो क्रेन है वो नीचे आ चुका है। अब हम इन बोल्ट्स को टाइट कर लेंगे, जो फिटिंग बोल्ट्स हैं इनसे हम टाइट करके परफेक्टली फिट कर लेंगे अपने मोल्ड को। अब हमारा मोल्ड फिट हो चुका है। अब हम क्रेन को थोड़ा सा एक स्ट्रेचेबल कंडीशन पे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं रहना चाहिए क्रेन। अगर बहुत टाइट होगा तो मोल्ड जब जैसे ही हम ओपन करेंगे जर्क मार देगा ऊपर साइड, और लूज़ रहेगा फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम। थोड़ा सा लूज़ रहे चलेगा, बट बहुत टाइट भी नहीं रहना चाहिए। तो एक स्ट्रेचेबल कंडीशन तक हम उसको लेके जाएंगे, वो विजुअली हम देख के समझ जाते हैं। अब देख सकते हैं अब हम धीरे धीरे इन क्लैंप्स को ओपन करेंगे। बिल्कुल इजी सिस्टम है क्लैंप्स को ओपन करने का, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लगती इसको ओपन करने में। उसके बाद हम सेटिंग मोड पे मोल्ड को ओपन करेंगे। सेटिंग मोड आप ध्यान रखिए, मोल्ड को जब भी आप अनक्लैंप करिए या क्लैंप कराने के पहले, या मोल्ड को लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, तो आप सेटिंग मोड पे खोलिए ताकि जर्क ना हो। मोल्ड झटका देता है, हैंड मोड पे होगा तो मोल्ड तेज़ी से खुलेगा तो जर्क मारेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में इसको बैठा के रखिए कि मोल्ड को आप सेटिंग मोड पे ही खोलेंगे जब हम मोल्ड अनलोड कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे हम चेन सिस्टम से मोल्ड को ऊपर की साइड, मतलब अपर डायरेक्शन पे ले लेंगे। थोड़ा सा ये हार्ड होता है क्योंकि मोल्ड भी भारी होता है, तो थोड़ा सा ताकत लगती है, क्योंकि चेन सिस्टम से बहुत इजी रहता है और क्रेन सिस्टम से बड़ा इजी रहता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभार आप देखेंगे इनके व्हील्स भी हैं तिरछे हो जाते हैं, मतलब डायरेक्शन उनकी चेंज होती रहती। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम इसको लेके चल रहे हैं। आप देख रही हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो इसके पहिए हैं वो तिरछे नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर एक डैमेज हो सकता है, वो वहाँ पे लड़ भी सकते हैं, मोल्ड जो है हमारा वो लड़ भी सकता है, या जो क्रेन है वो आके हमारे दरवाजों पे या किन्हीं चीज़ों पे लड़ सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ाएंगे हम क्रेन को, काफ़ी इसमें भी जोर लगता है, तो हमने इसको मशीन से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। अब जहाँ पे हमें मोल्ड को रखना है वहाँ पे हम मोल्ड को उतार देंगे और दूसरे मोल्ड को हम यहीं से पिक करेंगे। हमने पहले ही मोल्ड ला के रख लिया था, इससे क्या होता थोड़ा टाइम बच जाता है, क्योंकि जहाँ पे मोल्ड रखने का सेक्शन था वो काफ़ी दूर था। अब एजेक्टर्स पे आ जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि एजेक्टर का सिस्टम कैसे होता है। आप देख रहे हैं एजेक्टर कैसे लगाए जाते हैं। अब हम एक एक एजेक्टर को टाइट करेंगे मोल्ड पे। जैसे आपने देखा पैरेलल में 3 एजेक्टर लगे हुए हैं, तो हम वैसे ही पैरेलल में 3 एजेक्टर लगाएंगे। मिडिल एजेक्टर इसमें परमानेंट फिक्स है, जो बीच का एजेक्टर होता है, बाकी साइड एजेक्टर्स हैं उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं मोल्ड के हिसाब से। तो अब हम सबसे पहले देखिए, आप सिंपल मेथड है, इसको हम इजीली टाइट कर लेते हैं। इसके अंदर एलन बोल्ट भी होते हैं, उनसे हम इसको फिट कर लेते हैं मोल्ड को।
जो एजेक्टर है, जब एजेक्टर आप वहाँ से एजेक्टर की जो पिन है या जो भी है उसको आप अंदर पुट करेंगे, उसके बाद हम एलन बोल्ट से उनको टाइट कर लेते हैं। अब एजेक्टर की सेटिंग है, इसमें भी इनेबल होता है और रिट्रैक्ट पोजीशन, फॉरवर्ड रिट्रैक्शन मतलब पोजीशन आगे आना, बैक होना, मूव विद डोर ओपन, आगे आने पे और पीछे जाने का मतलब है एजेक्टर फॉरवर्ड और एजेक्टर बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम कैसे देते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम अपने मोल्ड के हिसाब से देते हैं, अपने पीस के हिसाब से देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक फंक्शन है वॉल्व ऑफ एट स्टॉप, मतलब कि वॉल्व बंद हो जाएगी जैसे ही हम मोल्ड खोलेंगे, उसके तुरंत थोड़ी देर में वो क्या चले एजेक्टर बाहर आ जाएगा। मूव विद डोर ओपन, ये सब सिलेक्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, इनको हम कर लेते हैं। हाइड्रोलिक एजेक्टर नीचे ऑप्शन था, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हाइड्रोलिक एजेक्टर चलने लगता है। आप देख सकते हैं एजेक्टर हमारा वर्क कर रहा है। ये सब बटन्स हैं, आप देख लीजिए, ये पोजीशन है, स्पीड है, प्रेशर है, इनेबल है, नीचे हाइड्रोलिक एजेक्टर का ऑप्शन है, उस एजेक्टर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब ये टाई बार्स हैं, हमें मोल्ड को इन टाई बार्स के बीच से लेके आना है। आपको ध्यान रखना है जब मोल्ड का साइज अगर टाई बार से बड़ा होगा तो वहाँ पे फिट नहीं करेगा। अब हम मोल्ड को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो मोल्ड हमारा टाई बार्स के बीच में हम इनको एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो टाई बार की डिस्टेंस हमारी दोनों टाई बार्स के बीच में, उसकी डिस्टेंस मोल्ड की डिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब जो है हमारा मोल्ड वो पूरी तरीके से टाई बार्स के बीच में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसकी जो स्प्रू होता है और जो मशीन का होल होता है, इसमें हमें इसे मैच कराना होता है ताकि जो हमारी नोज़ल टिप है वो ईज़िली मोल्ड के स्प्रू बुश पे मैच हो सके। अब बात आएगी लॉकिंग लेने की। तो हम लॉकिंग सेटिंग मोड पे लेते, सेटिंग हमने ले लिया, सेटिंग मोड पे लॉकिंग ऑप्शन पे गए और हमने 200 सेट कर दिया। मशीन हमारी 250 टन की थी तो हमने 200 सेट करके मोल्ड को लॉक करना स्टार्ट किया। अब हमें मोल्ड को फॉरवर्ड लेके आना है, मतलब मोल्ड की पोजिशनिंग जो है वो फॉरवर्ड पोजिशनिंग करनी है। तो हमने इसको फॉरवर्ड पोजिशनिंग पे स्टार्ट कर दिया। पहले जो मोल्ड लगा था वो थोड़ा बड़ा था हमारा मोल्ड साइज में, उसकी मोल्ड हाइट ज़्यादा थी। अब जो मोल्ड है इसकी मोल्ड हाइट थोड़ा कम है तो हम उसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो हम बीच बीच में अनलॉकिंग अपने स्क्रीन पे चेक भी करते रहेंगे। आप देख सकते हैं लॉकिंग चेक करते वक्त आप मशीन चाहे सेटिंग मोड पे रखिए, चाहे हैंड मोड पे रखिए, हैंड पे कर लेते हैं हम, उसके बाद मोल्ड को बंद करते हैं। धीरे धीरे हम बंद करेंगे तो हमें क्या है लॉकिंग एग्जैक्ट दिखेगी यहाँ पे। अभी देखिए 24 लॉकिंग है तो अभी हमें लॉकिंग और बढ़ा के रखनी, जैसा कि हमने सेट किया है लॉकिंग 200। ये मोल्ड के हिसाब से लॉकिंग सेट करते हैं मशीन की। इसमें टॉलरेंस भी देते हैं, टॉलरेंस आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ज़्यादातर टॉलरेंस 20 से 20-40 के बीच में रहता है, उससे ज़्यादा टॉलरेंस आप नहीं देंगे छोटी मशीनों में, जो मशीन होती है 250 टन, 350 टन, 150 टन तक। उसके बाद हम बीच बीच में ऐसे ही चेक करते रहते हैं। फिर सेटिंग पे किया, फिर थोड़ा सा लॉकिंग और बढ़ाया, फिर हमने मोल्ड को लॉक किया। टनेज हम देखेंगे तो अब हम टनेज देख सकते हैं, टनेज हमारा 218 पहुंच गया है। 200 था और अभी टॉलरेंस 40 था, टॉलरेंस हम थोड़ा कम कर देंगे, टॉलरेंस 20 का कर देंगे। तो क्या है कि देखिए आप, टॉलरेंस हमने प्लस 220 रखा है तो 200 + 20 इज इक्वल टू 220 तक ये वैलिड है। तो मोल्ड हमारा परफेक्टली लॉक हो गया। अब आता है हमारा सेंटर मैचिंग। सेंटर मैचिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मोल्ड में मैचिंग के लिए। या इसमें थोड़ा वीडियो बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पे सेंटर प्रॉपरली दिख नहीं रहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है मोल्ड चेंजिंग की, उसमें सेंटर के बारे में मैंने बताया। सिंपल मेथड है, हम पहले ग्रीस लगा के चेक कर लिए तो हमें पता चला मोल्ड जिस डायरेक्शन पे सेंटर पॉइंट से ज़्यादा मोल्ड कट मार्क मारता है ग्रीस पे, उस डायरेक्शन पे मोल्ड हम
लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर कट हमारा ज़्यादा मार रहा है तो मोल्ड को हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे। फिर हमने थोड़ा गत्ता लगा के चेक किया, या पेपर आप लगा लीजिए, कुछ भी लगा के आप चेक कर सकते हैं, कट आना चाहिए प्रॉपर। तो हमने चेक किया, अभी क्या था कि कट हमारा प्रॉपर नहीं आया, तो फिर हमने ग्रीस लगा के एक बार चेक किया, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सेंटर हमारा मैच हो चुका है, क्योंकि कट मार्क थोड़ा बहुत डिफ़र करता है। जो नोज़ल की टिप होती है, अगर उस पर उसका रेडियस सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ से भी थोड़ा डिफ़र होता है। तो अब हम फिर से अपने जो इंजेक्शन यूनिट है इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, बैरल को फॉरवर्ड करें, बैरल को बैकवर्ड किया, पीछे साइड लिया। अब हम फिर से चेक करेंगे, तो हमने चेक किया तो कट हमारा, कट मार्क आ गया, कट मार्क हमारा बराबर आ गया। अब हमारा जो मोल्ड है वो एडजस्ट हो चुका है। अब बात करेंगे क्लैम्प्स की, क्लैम्प्स हमने टाइट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं ये पैकिंग है, ये जो पैकिंग है, पैकिंग की जो साइज़ होता है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेटन साइज़ है इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप क्लैंप नहीं कर पाओगे, प्रॉपर क्लैंप नहीं होगा। ये कुछ बेसिक छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी, ध्यान रखनी। अब चलते वाटर पाइप्स पे, जो मोल्ड की कूलिंग देंगे हम, जो पानी के पाइप होता वो कैसे सेट करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो ये निप्पल्स लगे हुए हैं, कूलिंग चैनल्स हैं, इन्हीं के अंदर मोल्ड का कूलिंग चैनल सेट है। तो अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो आप क्या करोगे, इसमें एक पाइप लगाओगे और पानी को जो इन कराते हैं मोल्ड पे वो ऑन करोगे, तो जिस साइड से पानी निकलेगा, पानी थोड़ा सा बाहर आएगा, थोड़े प्रेशर में पानी चलाइए, तो वहाँ से जहाँ से पानी निकलेगा आपको पता चल जाएगा ये आउट का सेक्शन है, तो आप इससे सीरीज मिला सकते हो। ये लूप्स लगा दिए जाते हैं इन और आउट के, ताकि मोल्ड में जो पानी है वो पूरी तरीके से सर्कुलेट कर जाए मोल्ड में, एक तरफ इन और दूसरे सेक्शन में सर्कुलेट करते हुए लूप के थ्रू आउट हो जाए पानी। फिर हम मटेरियल को भी चार्ज कर लेते हैं, प्री ड्राई मटेरियल करते हैं, हॉपर में मटेरियल चार्ज हो गया। ये लूप्स हैं हमारे, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, जितना ये लगता है कॉम्प्लिकेटेड उतना ऐसे होता नहीं है। पहले डराया जाता है हमें कंपनीज़ में कि हाँ वाटर कैसे लगाएंगे, ये वो सर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बहुत ही सिंपल होता है। थोड़ा सा माइंड आप यूज़ करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं।